हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो? तो बच्चे, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लंबे अरसे के बाद आपसे फिर से मिलने का मौका आया। चलिए बच्चे, फिर से हम कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं बच्चे कि हम वॉयस पर चर्चा कर रहे थे। वॉयस पर चर्चा बहुत सारे हो चुके हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव, यस नो क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव, और WH क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव यानी टेंस वाइज कर रहे थे। तो हम WH क्वेश्चन यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो WH में एक्टिव में रहता है उसको पैसिव में हम कैसे करते हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम इसको सीखते हैं। तो बच्चे, हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। असर्टिव में भी सुना आपने, यस नो क्वेश्चन में भी सुना। अब हम WH के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी किए हैं, थोड़ा टेंस वाइज हम करते जा रहे हैं ताकि विस्तार से हो सके। ये विस्तार से बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करने जा रहे हैं। बच्चे, इससे पहले आप जान चुके हैं कि WH वह क्वेश्चन है जिसका जवाब हम एक शब्द या एक वाक में देते हैं। WH और WH वर्ड वैसा है जैसे कि वाई, वेयर, वेन, ये WH से स्टार्ट होने वाला है और हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, बोर्ड पर देखें। तो बच्चे, जैसे एक्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो WH प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ WH में कुछ भी हो सकता है, वेन, Why, where, how, what हो सकता है। अब इसके लिए is, am, are यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं एक्टिव वॉइस में। अब इसके बाद जानते हैं कि कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग किया जाता है। ये is, am, are प्रजेंट टेंस का बोध करवाता है और V4 कंटिन्यूअस का बोध कराता है। तो ये प्रजेंट कंटिन्यूअस का बोध करवा रहा है, ये तो एक्टिव में है। लेकिन पैसिव में जब हम बदलेंगे तो आप जानते होंगे कि WH तो जस के तस रह जाएगा और जो ऑब्जेक्ट पहले से सब्जेक्ट जो था वो तो गॉन हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके अनुसार से इज, एम, आर का प्रयोग होगा। अब इसके बाद पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है और जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो बाई का एजेंट बना दिया जाता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, वेन आर यू टीचिंग इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजी कब पढ़ा रहे हैं। यहाँ वेन WH है, आप जान रहे हैं कि आर प्रेजेंट टेंस का बोध करवा रहा है और टीचिंग के मतलब भी और है जो कंटिन्यूअस का बोध करवा रहा है। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और WH है, यह एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी WH वेन तो जस के तस रहेगा और यहाँ पर जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके अनुसार से भर्व इज का प्रयोग होगा और पैसिव में आप जानते ही हैं कि कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, टीच सेट आउट हो गया और जो सब्जेक्ट था वो बाई का एजेंट बन गया यानी ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से वेन इज इंग्लिश बींग टाउट बाई यू। नाउ हियर नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, वाई इज ही स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पर WH है। वाई क्या है, WH है, क्योंकि WH से स्टार्ट है और यहाँ पर इज जो बता रहा है प्रेजेंट टेंस का बोध करवा रहा है, स्टडिंग जो है वो कंटिन्यूअस टेंस का बोध करवा रहा है। तो स्पष्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और ये WH क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो WH जस के तस रहेगा और जो यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट
था ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके अनुसार से इज का प्रयोग होगा और पैसिव में कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का तीसरा रूप स्टडीड बना दिया, यहाँ रख दिया, और यहाँ जो सब्जेक्ट ही था वो बाई का ऑब्जेक्ट बन गया, हिम बन गया। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और समझ भी गए होंगे। तो बच्चे अगर किसी तरह का दिक्कत है तो अवश्य पूछने का प्रयास करें, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।